आदरणीय प्रबंधिका महोदय, प्रबंधक महोदय, मुख्य प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ पर उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है, आज विद्यालय की 19वीं वर्षगांठ हम यहाँ पर मना रहे हैं। हम सब ने अपनी लगन तथा परिश्रम से विद्यालय के अब तक के सफर को सफल बनाया। इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए स्कूल प्रशासन, अध्यापक, छात्र एवं स्कूल के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप सभी के कठोर संघर्ष, प्रयास और मेहनत के बल पर आज हमारा विद्यालय इस क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट विद्यालयों में से एक है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देश के बच्चों को समग्र शिक्षा देने के लिए सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहता है तो वह सिर्फ अभिभावक और अध्यापक का रहता है, क्योंकि इन दोनों के सहयोग से बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है। अब मैं आपके सम्मुख एक छोटा सा अभिभावक और अध्यापक का उदाहरण देती हूँ। आप सुनिए अभिभावक का उदाहरण। आप सभी लोगों ने एडिसन का नाम सुना होगा। एडिसन जो थे, बचपन में अल्प बुद्धि और पढ़ने में बहुत कमजोर थे। अब एक बार उनकी अध्यापिका बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उतने सफल नहीं हो पाते हैं। तो एक बार उनकी अध्यापिका उनको एक चिट देती है, कहती है, बेटा ये सिर्फ अपनी मम्मी को देना, वही देखेंगी, वही खोलेंगी। एडिसन आते हैं, मम्मी से कहते हैं, माँ आपके लिए मेरी अध्यापिका ने एक कागज दे रखा है, आप देखिए। अब वो देखती है, उसमें लिखा होता है, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, अल्प बुद्धि है, उसकी बुद्धि का विकास अन्य बच्चों की तरह नहीं हुआ है, तो यह अन्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, इसे आप घर में ही पढ़ाइए। तो माँ रोने लगती है, तो बच्चा माँ से पूछता है, माँ आप रो क्यों रही हो? तो माँ कहती है, बेटा आपकी अध्यापिका ने लिखा है, आपका बेटा बहुत ही तेज बुद्धि, बहुत ही जीनियस है, ये अन्य बच्चों की तरह अन्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाएगा, इसको घर में पढ़ाइए, क्योंकि अन्य बच्चे आपके बच्चे के हिसाब से पीछे हैं। तो माँ मेहनत करती है, माँ ठान लेती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, मेहनत कराऊंगी। अब माँ इतनी मेहनत करती है, एक दिन ऐसा आता है, पूरे विश्व में को ऐसा वैज्ञानिक मिलता है जिससे बड़ा वैज्ञानिक आज तक धरती में पैदा नहीं हुआ। अब हर अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को देखे और उसे ऐसा माहौल दे कि वह देश को एडिसन जैसे नागरिक दे सके। अब मैं दूसरा उदाहरण अध्यापक की मेहनत का भी देना चाहूंगी। अध्यापक का क्या योगदान रहता है एक बच्चे को आगे पहुंचाने में। एक बच्चा 6ठी कक्षा में एक स्कूल में दाखिला लेता है, तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर होता है, उसकी कक्षा अध्यापिका इतनी मेहनत करती है, वह नहीं कर पाता। तो 6 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो बच्चा फेल। तो उनकी प्रिंसिपल उनको क्लास टीचर को बुलाती हैं, कहती हैं, आखिर क्या बात, बच्चे ने 6 महीने में कुछ नहीं सीखा जो इसका रिजल्ट इतना पीछे गया। कक्षा अध्यापिका कहती हैं, सर मैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देती थी, लेकिन क्या करूं, ये सुनता था लेकिन मेहनत कभी नहीं करता। सर ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ध्यान दे के बच्चा इतने पीछे जा रहा है, उसने कुछ कारण होता होगा। उन्होंने उस बच्चे की हिस्ट्री जानने की कोशिश की और जो पिछले विद्यालय से वो आया था वहाँ का रिकॉर्ड देखा, आखिर क्या है, बच्चा क्यों पीछे गया। तब उस रिकॉर्ड से पता चला कि जो उस स्कूल में वो बच्चा बहुत होशियार था, हमेशा अपने स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन में रहता था, लेकिन
उसकी माँ की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बच्चा कमजोर होने लगा, क्योंकि माँ की ममता से बच्चा वंचित हो गया। अब जैसे ही उसकी कक्षा अध्यापिका ने सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि ओहो, मैंने बहुत गलत कर दिया। 6 महीने में मैंने इस बच्चे को ऐसे शब्द भी कहे, इसको मैंने डांटा भी, अब मैंने गलती की है, मैं इतना वो करूंगी कि मैं इस बच्चे को एक अच्छा बच्चा बना के रखूंगी। तब से उस अध्यापिका, क्लास टीचर का पूरा व्यवहार उस बच्चे के प्रति चेंज हो गया। वो आगे बैठाती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी और उससे क्वेश्चन पूछती थी। उस बच्चे का अपनी मैम के रुझान के कारण उसका भी पढ़ाई के लिए रुझान बढ़ने लगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, वो एक छोटी सी बोतल अखबार में लपेट के लाता है और अपनी मैम को देता है। मैम कहती है, ये क्या है? वो कहता है कि मैम, इसमें मेरी माँ का पसंदीदा परफ्यूम है, आधा तो मेरी माँ ने प्रयोग कर लिया, आधा बचा है, मुझे झेप लग रही थी आपके सामने मुख लाने के लिए, तो मैं इसको लपेट के लाया हूँ। अगर इसे आप लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरी माँ का पसंदीदा परफ्यूम। तो मैम को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैम उस परफ्यूम को रख लेती हैं और उसको प्रोत्साहित करती हैं। वो इतनी मेहनत करता है वो बच्चा, अपनी मैम के शब्दों से, बातों से, वह विदेश में बहुत अच्छी पोस्ट में उसकी नौकरी लग जाती है, बहुत अच्छे पद में जाता है। अब वहां पर उसकी शादी की बात चलती है, वो अपनी मैम को कॉल करता है कि मैम, मैंने फ्लाइट की टिकट आपके लिए बुक कर रखी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप कैसे भी आप आएंगी तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। उसकी मैम कहती है ठीक है, वो बच्चा लेने जाता है। जब वो अपनी मैम को ले जाके जाता है तो पूरा हॉल भरा रहता है, एक से एक लोग वहां आए रहते हैं। वो ज्यादा नहीं, एक लाइन में अपनी मैम का परिचय देता है। वह कहता है, ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ से भी बढ़ के है, माँ तुल्य टीचर है ये मेरी। अगर शायद मुझे ऐसी अध्यापिका नहीं मिलती, मैं आज जिस जगह में हूँ, इस जगह में नहीं होता, मैं भी अन्य बच्चों की तरह रोड के किनारों में, ढाबों में, सड़कों में घूमा रहता। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, शायद मेरी माँ होती वह भी इतना नहीं कर पाती जितना मेरे लिए एक अध्यापिका ने करा है। कहने का तात्पर्य कि अध्यापक एक पेरेंट्स का रोल भी निभाता है और टीचर का रोल भी निभाता है, दोनों गुण होने चाहिए एक अध्यापक। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।